लोगों ने उसे मार दिया। मेरी आंखों के सामने मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे बचा लूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। किसे किसे मार दिया? उसना को मार दिया उन लोगों ने, मेरी गलती की वजह से। मैं ही उन लोगों को उसना तक लेकर गई। मैंने उसना का बताया, उसना भाग सकती थी, उसने मुझ पर एतबार किया था, लेकिन मेरी गलती की वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया। सबके सामने, मेरे सामने उसे मार दिया। अच्छा, रिलैक्स। मैं भी आता हूं। क्या है? जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें दिमाग को सुकून देना चाहिए। स्लीपिंग पिल है। इस्लामाबाद में मेरी रातों की साथी यही थी। खा लो, सुकून मिलेगा। खाने के बाद कॉफी पी लेना, दोबारा बात करते हैं। मैंने सुहेल के साथ कई साल गुजारे हैं। अगर उसे पता चल गया कि उसकी बेटी मेरे पास है तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। जब तक उसकी बेटी मेरे पास है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो वो अपनी बेटी से भी जाएगा। बच्ची को लेकर तुम कहां कहां भागती फिरोगी, कहां कहां छुपाओगी उसे? देखो उसना कहीं ऐसा ना कि तुम सोचती रह जाओ और वहां राहत पुलिस को फोन करके बुला ले। क्यों अपने साथ और अपने जुड़े दूसरों के साथ ज्यादती करना चाहती हो तुम? हुस्ना, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम पर क्या जुनून सवार हो गया? अरे तुम इस लड़की से वादा क्यों नहीं ले लेती? ये उस जानवर से तुम्हारी जान बख्शी करवा देगी।
ये सब करना जरूरी था महापारा। हुस्ना मेरे लिए खतरा बन रही थी, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही। इंसान की जिंदगी जितनी लिखी हो वो उतनी ही जीता है, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। क्या बात है बेटा, इतनी बेकरारी से किसे फोन कर रहे हो? नहीं डैड, किसी को नहीं, एक जरूरी कॉल करनी थी एक फ्रेंड को। बेटा कोई नया कारनामा अंजाम देने लगे हो या किसी को रास्ते से हटाने लगे हो? क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं डैड आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? आज तुमने मेरा सर झुका दिया है सुहेल। मैंने क्या किया डैड? मैं तो ये समझा था कि तुम सुधर चुके हो, लेकिन आज भी कॉलेज जाने वाले, क्लास को छोड़कर आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने वाले वही लड़के हो तुम। ऐसी बात नहीं है डैड, आप मेरा यकीन करें। तुम्हारा यकीन? एक लड़की 3 साल तुम्हारे ताल्लुक में रही और अब भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? झूठ है डैड, उल्टा वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। और आपको पता है ऐसी औरतें जो होती है ना, हम जैसे शरीफ मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं और फिर कोई सर फिरा उन्हें खत्म कर देता है। जिस अपार्टमेंट में वो रही है उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम्हारे आईडी कार्ड की कॉपी लगी। अच्छा डैड, मैंने अपने आईडी कार्ड की कॉपी अपने एक फ्रेंड को दी थी, उसने कोई गाड़ी खरीदनी थी, मुझे नहीं पता कि उसने इस काम के लिए। और इत्तफाक है कि 3 साल उस अपार्टमेंट का रेंट भी तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से जाता रहा। डैड कह तो रहा हूं मैं, वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि मैंने अपने आईडी कार्ड की कॉपी अपने दोस्त को दे दी थी, मुझसे गलती हो गई थी। गलती तुमसे नहीं हुई बेटा, गलती तो हमसे हुई है कि लड़कपन में तुम्हारी आवारा लड़कों के साथ जो दोस्ती थी, हमें उस वक्त तुम पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन हमने तुम पे भरोसा किया, अपने खून पे भरोसा किया, गलत किया हमने। आप गलत समझ रहे हैं, ये सब बस एक इत्तफाक है। इत्तफाक? और ये भी एक इत्तफाक है कि वो अपार्टमेंट तुम्हारी मेहंदी वाली रात ही खाली हुआ है। खुरदार, इससे भी बड़ा इत्तफाक बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी शादी के बाद होटलों के कमरे बुक होते रहे हैं और उनका किराया भी ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से जाता रहा है। देखो उस लड़की के कत्ल के इल्जाम से शायद तुम बच जाओ, दायर है तुमने बहुत प्लानिंग के साथ उसे कत्ल किया होगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कैसे बचोगे? कैसे?
उस लड़की के कत्ल के इल्जाम से शायद तुम बच जाओ। जाहिर है तुमने बहुत प्लानिंग के साथ उसे कत्ल किया होगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कैसे बचो? डैड, उल्टा वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। और आपको पता है, ऐसी औरतें जो होती हैं ना, हम जैसे शरीफ मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं और फिर कोई सर फिरा उन्हें खत्म कर देता है। जिस अपार्टमेंट में वो रही है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम्हारे आईडी कार्ड की कॉपी ली। अच्छा डैड, मैंने अपने आईडी कार्ड की कॉपी अपने एक फ्रेंड को दी थी, उसने कोई गाड़ी खरीदी थी, मुझे नहीं पता कि उसने इस काम के लिए। और इत्तफाक है कि 3 साल उस अपार्टमेंट का रेंट भी तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से जाता रहा है। गलती तो हमसे हुई कि लड़कपन में तुम्हारी आवारा लड़कों के साथ जो दोस्ती थी, हमें उस वक्त तुम पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन हमने तुम पे भरोसा किया, अपने खून पे भरोसा किया, गलत किया हमने। आप गलत समझ रहे हैं, ये सब बस एक इत्तफाक है। इत्तफाक? और ये भी एक इत्तफाक है कि वो अपार्टमेंट तुम्हारी मेहंदी वाली रात ही खाली हुआ। बरखुरदार, इससे भी बड़ा इत्तफाक बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी शादी के बाद होटलों के कमरे बुक होते रहे और उनका किराया भी ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से जाता रहा। यहां क्यों खड़े हो? कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? क्या बताऊं मैं आपको? यही कि क्या परेशानी? एक इंसान के कितने चेहरे होते हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको पता, मैं सुहेल भाई को एक बहुत ऊंचे मुकाम पे देखता था। वो ये सब करेंगे मैं कभी नहीं सोच सकता था। बेटा, वो अच्छी लड़की नहीं थी। उसने सब कुछ झूठ बोला था, तुम्हारे डैड ने खुद पता करवाया, उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। मैं उस लड़की की सारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। तो हाजरा ने कुछ कहा? मैंने खुद उनकी बातें सुनी। सुहेल भाई का उस लड़की से 4 साल तक का ताल्लुक था। राहत, वो एक ऐसी कैजुअल सी दोस्ती थी जैसी लड़के कर लेते हैं। और कैजुअल सी दोस्ती में बच्चा भी हो जाता है। अच्छा? किसका बच्चा? इन जैसे लोगों के लिए ना बेटे बोझ होते हैं, इसलिए उस बच्चे से पीछा छुड़ा लिया। क्या कह रहे हो तुम ये? आपको पता है ना, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। वो डॉक्टर आया फरी को देखने, मैं
देख कर आती हूँ। उस लड़की के कत्ल के इल्जाम से शायद तुम बच जाओ। जाहिर है तुमने बहुत प्लानिंग के साथ उसे कत्ल किया होगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कैसे बचोगे? तो पहले ही अंदाजा था कि उसकी नेकी का सिला उसे अच्छा नहीं मिलेगा। दादी, आपको इसे जाने नहीं देना चाहिए था, या मुझे फोन करके बता देती। मैंने तो कहा था कि तुम्हें बता दे, लेकिन माँ पारा ने मना कर दिया। वो तुमको उलझाना नहीं चाह रही थी इसमें। काश वो यहां से ना जाती तो इस वक्त वो इस ट्रॉमा में नहीं होती। मैं क्या करती बेटा? वो कहती है कि हम हर बात के लिए तो सालार की तरफ नहीं देख सकते ना, उसे अच्छा नहीं लगता। और मुझे उसे मजबूर और बेबस देखना अच्छा नहीं लगता दादी। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको नींद की दवा दे दी। कुछ देर सो लेगी तो बेहतर हो जाएगी। अरे तुम जाग गई, अच्छा हुआ तुम सो गई ना। सालार से मैं यही कह रही थी कि अब बेहतर हो जाएगी, उसके जहन को सुकून मिल जाएगा। दिमाग में सन्नाटा गूंज रहा, आंखों के सामने अंधेरा, शायद इसे ही सुकून कहते हैं। मां पारा, सब कुछ भूल जाओ, समझो कुछ देखा ही नहीं है। कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, जहाँ कोई आवाज ना। Well, मैं बस जाने ही वाला था। कोई काम हो तो फोन करके बता दीजिएगा, शायद एक दो दिन खुद से नहीं आ सकूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बिल्कुल ठीक कह रहा था सरदार कि भूल जाओ सब कुछ। क्या भूल जाऊं दादी, ये भूल जाऊं कि सुहेल ने एक और जान ले ली। ये सब कुछ हाजरा की वजह से हुआ, मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें हाजरा से खैर की उम्मीद क्यों थी? कोई भी औरत अपने शौहर का किसी दूसरी औरत से ताल्लुक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी ऐसी औरत जिसने उसकी बच्ची को अगवा किया। वो तो वैसे ही अपनी जान छुड़ाना चाह रही थी, और तुमने अपनी सादगी में उसका सामना करवा दिया उससे। लेकिन दादी, तुम्हारे साथ भी तो उसने यही किया था ना, इसलिए कि वो अपने शौहर को रोक नहीं सकती थी। लेकिन बस इस दफा तरीका मुख्तलिफ था, लेकिन मकसद वही था। उसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ था, शौहर के छिन जाने का खौफ।
इंतहाई नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर शो किया आपने, और मैं इसे अपने कारोबार का हिस्सा समझकर, सबक समझकर भुला दूंगा, बंद कर दूंगा इसे मैं। शैला, क्या बात, क्यों परेशान हो? भाई अब तो माशाल्लाह सब ठीक हो गया है, हमारी पोती घर में आ गई, फिर क्या परेशानी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी मां नहीं बन सकी। ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम अच्छी मां नहीं बन सकी? देखे ना, क्या किया सोहेल? ये कोई बड़ा मसला नहीं है। देखो, उससे एक गलती हुई, उस लड़की के साथ ही खत्म हो गई। अब हर चीज अपनी जगह पर आ गई है, बस। नहीं फजल साहब, ये एक मां की तरबियत की हार है। खुदा के लिए भूल जाओ इस बात को। मैं पहले कारोबारी मामलात में बहुत उलझा हुआ हूं, क्लाइंट को पैसे देने, राहत का प्रोजेक्ट रुक गया है, क्या करूं मैं? राहत का प्रोजेक्ट? राहत तो पहले ही इतना परेशान है, अब सोहेल की वजह से और डिप्रेस हो गया। अरे कुछ नहीं होगा उसे, अगर इस मरतबा कुछ हुआ उसे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। शैला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि वो कुछ ऐसा करेगा? इसलिए कि उसका रिश्तों पर से एतबार उठ गया है, ये सब कुछ देखकर वो बहुत हर्ट हुआ है। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? एक इंसान के कितने चेहरे होते हैं? किसके बारे में बात कर रहे हो? आपको पता, मैं सोहेल भाई को एक बहुत ऊंचे मुकाम पे देखता था, वो ये सब करेंगे मैं कभी नहीं सोच सकता था। बेटा वो अच्छी लड़की नहीं थी, उसने सब कुछ झूठ बोला था, तुम्हारे डैड ने खुद पता करवाया, उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। मैं उस लड़की की सारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा हूं। तो हाजरा ने कुछ कहा? मैंने खुद उनकी बातें सुनी। सोहेल भाई का उस लड़की से 4 साल तक का ताल्लुक था। राहत, वो एक ऐसी कैजुअल सी दोस्ती थी जैसी लड़के कर लेते हैं। और कैजुअल सी दोस्ती में बच्चा भी हो जाता। अच्छा, किसका बच्चा? इन जैसे लोगों के लिए ना बेटे बोझ होते हैं, इसलिए उस बच्चे से पीछा छुड़ा लिया। क्या कह रहे हो तुम ये? आपको पता है ना, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। मैंने तो तुम सब की बहुत अच्छी तरबियत की थी, फिर ये क्या कर दिया? मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया। बहू का भी किस मुंह से सामना करूं? किस मुंह से तुम्हारे डैड को बताऊं कि तुम्हारा एक बच्चा भी था जिसे हेलो डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी? अच्छा हाँ, उस लड़की की। हाँ उसी लड़की की। हॉस्पिटल में नहीं है, पुलिस कस्टडी में नहीं है। क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? जला दी या समंदर में फेंक दी? तदफीन कर दी। तदफीन? इतनी इंसानियत किस में आ गई? मैंने कर दी। तुमने कैसे करा दी? क्यों, मैं ये काम नहीं कर सकता क्या? अगर तदफीन कराने गए थे तो लगे हाथों अपने जमीर की भी कराते, न जाने कब से मर चुका है। Excuse me, क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं। कौन से कब्रिस्तान में तदफीन की है? मुझे एड्रेस सेंड करो।
मुझे वहां पर पहुंचने दो, फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूं, ओके? तुम्हारी शक्ल देखने का हौसला नहीं है मुझमें, सिर्फ एड्रेस सेंड कर दो। किस बात पर गुस्सा? क्या हुआ? किससे फोन पे बात कर रहे हैं? मुझे नफरत है इस इंसान से, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन समझ नहीं आता कि इसे किस बात पर खार है। है कौन, क्या बात हो रही है बेटा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आमुखी। मैं ये चाह रहा था कि हम बाप बेटा बैठकर बातें करते, थोड़ी सी जरा गपशप हो जाती। Listen, Dad, I'm really sorry, but I have to. Right? जाकर क्या करोगी मां पारा? माफी मांगूंगी। किस बात की माफी? जो कुछ मैंने उसके साथ किया है उसकी माफी। लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया मां पारा, तुमने तो बस उसकी मदद करने की कोशिश की थी। गलत फैसला सबसे बड़ी गलती होती है आसमा। तुमने वो कॉल सुना है ना, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। हाँ सुना है। तो मुझे देखो, वो नादान दोस्त मैं हूँ। तुम भी मुझ पर एतवार करने से पहले अपनी बर्बादी का जरूर सोचना। तुम चाहती क्या हो? कब तक इस तरह की बातें करती रहोगी? जब तक अच्छी तरह से अपनी गलती ना सुधार लो। और वो सुधरेगी कैसे? सांप का मुंह कुचलकर। क्या मतलब? सो मुझे लगता है मैंने आज तक उस घर से निकलने के बाद जो कुछ भी किया है ना, वो सब गलत किया है। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था तुम्हें? मुझे सांप का मुंह कुचलना चाहिए था। मैं आ रहा हूँ, बाहर मेरा वेट करना, ओके? कैसे पता था कि यही है? स्लैब नहीं थी, इसलिए मैंने कहा था मैं आकर बता दूंगा। अब्दुल का नाम ही तो लिखवाना था, लिखवा देते। कौन सा कातिल के नाम की तख्ती लगती जो डर गए?
बहुत अफसोस है मुझे इसके। तुम्हारा अफसोस माय फुट। मैं तो सिर्फ ताजियत कर रहा हूँ आपका। तुम लोग कमाल हो भाई, पहले कत्ल करवाते हो, फिर खुद तदफीन कराते हो, फिर ताजियत करने भी आ जाते हो। इसने हमारे घर की बच्ची किडनैप की थी। तुम्हारे भाई ने इसकी जिंदगी बर्बाद की थी, बर्बाद हो गई थी वो, जल रही थी नफरत की आग में। मापारा। तुम्हारे शरीफ भाई ने तुम्हें तो ये भी नहीं बताया होगा कि तुम जानते हो तुम्हारी अम्मी ने एक बार क्या कहा था मुझे कि भले मेरी तरबियत उनके हाथों हुई है लेकिन मेरी रगों में बहने वाला खून गंदा है, तभी आज मैं इस हाल पर पहुंची। वो एक अलग मामला था। तो ये कब्र किसके गंदे खून का नतीजा है? तुमने फरी की मदद की इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूं। I swear to you, तुम हद से बढ़ गई। लिहाज तो अब तक मैं कर रही थी लेकिन अब हद से बढ़ना क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊं। क्या करोगी तुम? बर्बाद। मापारा, कंस्ट्रक्शन डिमोलिश तो करवा दी, अब और क्या बर्बाद करोगी तुम? हाँ, आप तो एक प्रोजेक्ट पर ही चीख पड़े। अभी तो घर की बुनियादी हिलना बाकी है।